और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इसराइल की सेना का नया वीडियो सामने आया है। अल बयात सीमा पर भारी गोलाबारी हो रही है। लेबनान के गांव पर मोर्टार से किस तरीके से हमला किया गया, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें अल बयात पर हुई भारी गोलाबारी की है, जहां लेबनान के गांव पर मोर्टार से हमला किया गया। इसराइल हमास को खत्म करने के लिए हर कोशिश कर रहा है, लेकिन 16 दिन की जंग के बाद भी इसराइल हमास पर काबू नहीं पा सका है, बल्कि हमास इसराइल पर हमले बढ़ाता जा रहा है। तो क्या हमास को मिटाना इसराइल के लिए इतना मुश्किल है? क्या हमास की मिलिट्री विंग और उसकी रॉकेट सेना इतनी ताकतवर है कि उसके कवच को इसराइल नहीं भेद पा रहा है? क्या इसराइल के लिए हमास की साइनाइड ब्रिगेड भी बड़ी चुनौती बन रही है? इसराइल पर हमास के हमले तेज होते जा रहे हैं। दो हफ्ते की जंग के बाद हमास के हमले रुकने की बजाय पहले से कहीं ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं। हमास की तरफ से इसराइल के शहरों पर दागे गए रॉकेट की गर्जना दोनों तरफ के बॉर्डर को दहलाने लगी है। हमास के हमलों के बाद इसराइल के 18 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। दक्षिण और मध्य इसराइल के अलावा राजधानी तेल अवीव पर भी हमास ने कई बड़े रॉकेट दागे। हमास के हमलों के बाद इसराइल के शहरों में सायरन बजने लगे। तेल अवीव के अलावा बैतयाम, अशदोद, शावने में भी रॉकेट हमले का रेड अलर्ट जारी किया गया। हमास के बारूदी तेवर से लग रहा है कि अगले कुछ घंटे या फिर कुछ दिन इसराइल के लिए बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। सात अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर जब हमले किए थे तो उसने 5,000 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें इसराइल पर दागे थे। इस नए हमले के बाद कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए। सवाल उठता है कि हमास जैसे चरमपंथी संगठन के पास इतने हथियार कहां से आ रहे हैं? इन घातक हथियारों को हमास को कौन दे रहा है और ये हथियार हमास तक कैसे पहुंच रहे हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास अब तक कई नई घातक मिसाइलों और रॉकेट से हमले कर रहा है। हमास के पास कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं, कॉर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं, यासीन आरपीजी देसी एंटी टैंक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हैं, M-302 रॉकेट हैं, कसाम रॉकेट हैं और अलकुद्स जैसे रॉकेट हैं जो उनकी काफी मदद कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार हमास के पास सिर्फ मिसाइलें और रॉकेट ही नहीं बल्कि कई दूसरे घातक हथियार भी हैं। दावा किया गया है कि 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने खास तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो हमास की मौजूदा सैन्य क्षमता में ईरान की बहुत बड़ी भूमिका है। हमास के पास ज्यादातर हथियार ईरान के दिए हुए हैं। हमास के पास फज्र 3 और फज्र 5 रॉकेट हैं। ये दोनों सतह से सतह पर मार करने वाले हथियार हैं।
इसके अलावा ईरान ने उसे छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट का जखीरा भी दिया है। गाजा पट्टी से इन रॉकेट के माध्यम से इजराइल के रिहायशी इलाकों को आराम से निशाना बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमास के पास ऐसे रॉकेट और मिसाइलें हैं जो एक साथ बड़ी संख्या में दागे जा सकते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि रॉकेट हमलों में हमास इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में इस बार काफी कामयाब हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के पास ऐसी घातक मिसाइलें बनाने की तकनीक पहुंच चुकी है जिनकी रेंज करीब 250 किलोमीटर तक है। हमास के पास मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलों की रेंज से इजराइल का कोई शहर दूर नहीं है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल की ओर से हमास को हर साल करीब 100 मिलियन डॉलर की मदद मिलती है, वहीं कतर हर साल हमास को 400 मिलियन डॉलर की मदद देता है। दावा किया गया है कि सैन्य और आर्थिक मदद के अलावा ईरान की तरफ से हमास के लड़ाकों को अत्याधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग भी दी गई है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान से मिली टेक्नोलॉजी की मदद से हमास ने अंडरग्राउंड फैक्ट्रियां बना ली हैं, जहां बड़े पैमाने पर रॉकेट और ड्रोन का निर्माण किया जाता है। हमास जिन हथियारों को नहीं बना पाता उनकी समुद्र के रास्ते तस्करी की जाती है। हमास को इजराइल क्यों खत्म नहीं कर पा रहा, इसकी वजह है हमास की मिलिट्री विंग को लेकर नया खुलासा। हमास की मिलिट्री विंग है अल कसाम ब्रिगेड, जिसमें 30,000 लड़ाके हैं। इसमें नकबा फोर्स, नेवल कमांडो, रॉकेट ब्रिगेड, अंडरग्राउंड टीम और एयर विंग शामिल है। अल कसाम की सबसे खास रॉकेट ब्रिगेड के तहत राफा ब्रिगेड, खान यूनिस ब्रिगेड, सेंट्रल ब्रिगेड, गाजा ब्रिगेड और नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप ब्रिगेड जंग लड़ती है। इजराइल फोर्स के दावों के मुताबिक अब हमास ने अपने लड़ाकों के लिए साइनाइड वेपन भी तैयार कर लिए हैं। हमास के पकड़े गए लड़ाकों के जरिए इजराइल ने यह नया खुलासा किया है। इजरायली खुफिया एजेंसियों को शक है कि जंग में हमास साइनाइड यानी केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। केमिकल वेपन को गैस या तरल किसी भी रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके फैलने की गति बहुत तेज होती है, इसलिए ये कुछ ही मिनटों में हजारों जाने ले सकते हैं। केमिकल वेपन से दम घुटने से मौत हो जाती है। हालांकि हमास की तरफ से रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि हमास के हाथों में बहुत ही खतरनाक हथियार पहुंच चुके हैं, जिससे उसे हरा पाना इजराइल के लिए इतना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।